हे कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों काफी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वो लोग जो खाने में नकलें निकालते हैं, वो लोग जो फूड को वेस्ट करते हैं, वो लोग जो खाने का फूड का सम्मान नहीं करते, ये वीडियो से खासकर उनके लिए है। जिन लोगों में ये आदतें हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आपका नजरिया बदल दे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, और हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पूरा डिटेल्ड में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको जानने से पहले दोस्तों आपको कुछ वर्ड हैं जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, तभी आप जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे वेस्टिंग। वेस्टिंग वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, वेस्टिंग उसको कहा जाता है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO ने कुछ स्टैंडर्ड्स जो है बच्चों की कंडीशन बच्चों की हेल्थ को लेकर सेट कर रखे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट लो होता है, यानी कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड स्केल होता है, यदि आपकी इतनी हाइट है तो उसका स्टैंडर्ड वेट सही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करता हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच की है, तो मेरा वेट 78 से लेके 80 kg तक का एक स्टैंडर्ड वेट माना जाता है। तो जिन बच्चों में वेट कम होता है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है अंडर नोरिशमेंट। आप जानते हैं वर्ल्ड लेवल पे एक स्केल है जिसमें कहा गया है कि बच्चों के लिए प्रतिदिन इतना कैलोरी इंटेक जरूरी है, जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए प्रतिदिन इतना कैलोरी इंटेक जरूरी है। जैसे हम एडल्ट्स हैं तो हमारे लिए हर रोज यदि हमें कोई कार्य करने हैं तो कम से कम हमें 2000 कैलोरी क्या करनी पड़ती हैं? कंज्यूम करनी पड़ती हैं। सो 2000 से कम कैलोरीज जिनको खाने को मिलती है उन्हें हम किस कैटेगरी में डालेंगे? अंडर नरिशमेंट कैटेगरी में डालेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा वर्ड है दोस्तों स्टंटिंग। अब स्टंटिंग क्या होता है? देखिए, स्टंटिंग होता है आपकी एज के हिसाब से। देखिए मैं बता रहा हूँ, WHO ने कैसा स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि जो 9 साल के बच्चे होते हैं, WHO का स्टैंडर्ड कहता है उनकी हाइट 132 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यानी कि बच्चे में जो न्यूट्रिशन लेवल है, उसकी जो डाइट है, उसको जो कंटेंट इंग्रेडिएंट मिलने चाहिए डाइट में वो अच्छे मिल रहे हैं। यदि 132 सेंटीमीटर से नीचे कम है तो उसको क्या बोला जाता है? स्टंटिंग बोला जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है दोस्तों वो है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट आप जानते हैं जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत्यु दर। इसे दरअसल एक साल के पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है और इसके लिए जो बेस वैल्यू रखी जाती है वो रखी जाती है 1000 की। अब फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोल देता हूँ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड को मेरे को डिफाइन करने पड़ेगा उसकी एज के हिसाब से। तो मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए 0 से 5 साल तक के बच्चों का मोर्टेलिटी रेट 1 साल का, मतलब किसी कंट्री में यदि 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो 0 से लेके 5 साल तक ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी 1 साल में मृत्यु हुई है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट भी आपको समझ में आ गया। तो ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिनके मीनिंग आपको पता चल गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं। हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसने हमें कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिए हैं और वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये मैसेज हमें क्या कहते हैं ये आप सुन लीजिए दोस्तों। पूरी दुनिया में मैं बात करूं आज के डेट में 690 मिलियन लोग ऐसे हैं जो क्या है? अंडर नरिश्ड है। अभी मैंने आपको बताया था अंडर नरिश्ड, जो कि एक स्टैंडर्ड पर डे की इनटेक कैलोरीज होती हैं, उतना भी भोजन नहीं कर पाते, यानी कि 69 करोड़ लोग ऐसे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दुनिया में 144 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटिंग का सामना कर रहे हैं। मैंने अभी आपको स्टंटिंग बताया था और इन्हीं 144 मिलियन बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनमें क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन है, यानी कि जिनको 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो 144 मिलियन यानी कि लगभग 14.5 करोड़ बच्चे। इसके बाद यदि हम बात करें
रिपोर्ट ये कहती है कि 47 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि वेस्टिंग का शिकार हैं और जिनके अंदर एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन के सिम्टम्स हैं। तो 47 मिलियन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 4,70,00,000 बच्चे ऐसे हैं। और यही मैं बात करूं वर्ष 2018 में, ये रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2018 में 5.3 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है, अपने पांचवा जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गए। कौन से साल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 2018 की। ये रिपोर्ट हमें कुछ और मैसेज भी देती है। यदि हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो भुखमरी में, हंगर में, जो पूरे वर्ल्ड का लेवल है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को कौन से स्केल पे रखा गया है, कौन से लेवल पे रखा गया है, मॉडरेट लेवल पे रखा गया है। तो पूरे वर्ल्ड में जो हंगर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल की है। अब हम बात करते हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जो भुखमरी है वो अलार्मिंग लेवल पर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा है। कौन से हैं, छड है, टिमोर लेस्टे है और मेडागास्कर, ठीक है। अब ये रिपोर्ट हमें ये भी कह रही है कि जिस हिसाब से इसकी रिपोर्ट में गणना की गई है, जिस हिसाब से इन्होंने आंकड़े कैलकुलेट किए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, यानी कि वर्ष 2030, यहाँ पे मैं वर्ष 2030 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर एक टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में जो हंगर होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो जिस प्रकार से अब इस रिपोर्ट में आंकड़े आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन का 2030 का ये गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा नहीं होगा। और वहीं पर यदि इसी तरीके से ये सारी चीजें पूरी दुनिया में चलती रही जैसे अब चल रही हैं, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 37 ऐसी कंट्रीज हैं, यानी कि 37 ऐसे देश हैं जो लो हंगर कैटेगरी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे 2030 तक। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक हमारे लिए चिंता की बात है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GHI, तो आगे मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स न बोलकर GHI का यूज करूंगा, ठीक है। सो GHI की कैलकुलेशन 3 स्टेप में की जाती है। तो इसकी कैलकुलेशन 3 स्टेप प्रोसेस होती है और इसमें 3 इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बता रहा था जैसे अंडर नरिशमेंट हो गया, मोर्टेलिटी रेट हो गया, तो वो 3 इंडिकेटर कौन से हैं? पहला है परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, दूसरा है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, और तीसरा है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन 3 इंडिकेटर को ध्यान में रखा जाता है जब GHI की कैलकुलेशन की जाती है। अब GHI की कैलकुलेशन की जाती है, अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में जो हंगर है वो मॉडरेट लेवल पे है, कुछ कंट्रीज में अलार्मिंग लेवल पे है। तो ये इंडेक्स इस रिपोर्ट में ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो इन्होंने अपना एक स्केल बना रखा है जिसे ये कहते हैं GHI सेवेरिटी स्केल। तो जिस कंट्री की वैल्यू, ठीक है, 9.9 तक आती है, इसके इक्वल होती है, ठीक है, तो उस कंट्रीज को लो हंगर कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और जिस कंट्री का स्कोर 10 से लेके 19.9 के बीच में आता है, उसे मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाता है। और जिस कंट्रीज का स्कोर 20 से लेके 34.9 के बीच में आता है, उन्हें सीरियस कैटेगरी में रखा जाता है। और जो अलार्मिंग कैटेगरी होती है उसमें स्कोर 35 से लेके 49.9 तक होता है, और 50 और उससे ज़्यादा जिस कंट्री का स्कोर आता है उसको एक्सट्रीमली अलार्मिंग जो है जोन में रखा जाता है। तो अब 2020 के GHI की बात करें तो भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है, किस कैटेगरी में, सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। और भारत का रैंक इसमें कितना है, 94th। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई जो आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI को कब लॉन्च किया गया है, 16 अक्टूबर 2020 को।
अब कोई तो ऐसी संस्था होगी, कोई तो ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो इसको बनाते होंगे। सो दो संस्थाएं हैं जो मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाती हैं। पहली कौन सी है? वेल हंगर लाइफ, और दूसरी कौन सी है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था इंडिया को 94th पोजीशन मिली है, तो पूरी रिपोर्ट में कितनी कंट्रियों की गणना की गई थी? तो पूरी रिपोर्ट में 107 कंट्रियों की गणना की गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके क्या हाल हैं, उनको क्या रैंकिंग मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो है 75। म्यांमार और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, म्यांमार की है 78 और पाकिस्तान की है 88। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो भारत से अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बट इन जो नेबरिंग कंट्री का स्कोर है वो भी भारत के स्कोर के लगभग है। तो इसका मतलब बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान कंट्रीज को भी सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भारत के वो दो पड़ोसी राज्य कौन से हैं जो कैटेगरी में भारत से आगे हैं। भारत कौन सी कैटेगरी में है? सीरियस कैटेगरी में है। लेकिन नेपाल और जो श्रीलंका है, नेपाल और श्रीलंका मॉडरेट हंगर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेपाल की कौन सी रैंकिंग है? 73rd है। श्रीलंका की रैंकिंग क्या है? 64th। आगे बढ़ते हैं हम। अब इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है ये आप समझ लीजिए। इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर प्रेजेंट में 14% कुल ऐसे बच्चे हैं जो कि अंडर नरिशमेंट का क्या है? शिकार है। और वहीं पे मैं बात करूं स्टंटिंग की, 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों में, ठीक है, स्टंटिंग का शिकार कितने हैं? 37.4%। उसके बाद यदि मैं बात करूं वेस्टिंग का, तो भारत के अंदर कुल 17.3% बच्चे किसका शिकार है? वेस्टिंग का। और इसके बाद यदि हम बात करें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, तो भारत के अंदर कितना है? वो है 3.7%। अंडर 5 का मतलब मैंने आपको बताया था 0 से लेके 5 साल तक की जो उम्र होती है। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सीरियस कैटेगरी में तो है, लेकिन भारत का जो स्कोर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव का मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जितना कम स्कोर होगा उतनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग आएगी। 2010 में भारत का जो स्कोर था वो 32.2 था, फिर 2018 में 8 साल बाद कितना घटा? सिर्फ 0.1 ही घटाई। और उसके बाद लास्ट ईयर का स्कोर हमारा कितना है, यानी कि 2019 का 30.3 है। उसके बाद यदि हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो ये स्कोर है वो है 27.2। अब इस रिपोर्ट ने एक बात अपने मैसेज में साफ लिखी है कि इस मैसेज ने जो COVID-19 का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हुआ है, अपनी रिपोर्ट में COVID-19 के इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं किया है। साफ साफ इन्होंने इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, यदि हम COVID-19 इम्पैक्ट को भी कंसिडर करें तो जो सिचुएशन है वो इससे भी ज्यादा वर्स, यानी कि बदतर हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कैसा आपको ये लगा, कैसे आपको ये वीडियो लगी, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंडिया को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग सुधारने के लिए क्या क्या प्रयत्न और प्रयास करने चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।